से की आई है तब से देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूअसली मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं, मेरे पास काफ़ी सारे ईमेल्स आ रहे हैं कि मैम मेरा इतना स्कोर बना हुआ है तो मुझे कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए। इवन सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि मैम मेरा इतना स्कोर आ गया है, क्या मुझे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का ये वाला कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स आई जस्ट वांट टू टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग, इट्स नॉट अ वन गो प्रोसेस, आपको थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। तो द थिंग इज कि अभी आपकी जो आंसर की आई है दैट इज प्रोविजनल, इसके बाद आपकी एक फाइनल आंसर की भी बनेगी बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको स्टूडेंट्स चैलेंज करेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनके लिए आपको बोनस मार्क्स भी मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद भी जो फाइनल आंसर की आएगी तब पर भी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको किस यूनिवर्सिटी का कौन सा कॉलेज मिलने वाला है बिकॉज इसके बाद का भी प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन में जाएगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेशन में जो ये एग्जाम हुआ है जिसमें किसी में टफ पेपर आया किसी में इजी पेपर आया तो सबको नॉर्मलाइज किया जाएगा, एक प्रॉपर परसेंटाइज स्कोर निकाला जाएगा, देन ओनली यू कैन सी कि आपका कितना मैक्सिमम स्कोर बना हुआ है। फिर उसके बाद कॉलेजेस अपने डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ्स निकालेंगी और फिर उनके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपका एडमिशन कौन से कॉलेज में होगा, राइट। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि किसी बच्चे के अगर कम मार्क्स आए हैं तो उसको कोई पर्टिकुलर कॉलेज नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कोर्स चूज कर रहे हो और आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट आई होप आई एम एबल टू गिव यू द परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिख करके दे सकते हो। थैंक यू एंड बाय।